सो दोस्तों हम लोग मधुपुर जैक्सन में पहुंच चुके हैं। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज हम जाने वाले अपने भांजे का जन्मदिन में पुरलिया। पुरलिया में है हमारे दीदी घर, तो चलिए चलते आप लोगों के साथ, वहाँ जाके बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। सारा चीज आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग पर एंड तक बने रहिएगा। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं, इधर मम्मी और इधर दीदी, तो चलिए ट्रेन भी यहाँ पे आ चुका है, चलिए चलते हैं। सो दोस्तों हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, इधर मम्मी और इधर कीर्ति, और ट्रेन भी खुल चुका है, तो चलिए अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से मधुपुर के स्टेशन। तो दोस्तों हम लोग मधुपुर जैक्सन में पहुंच चुके हैं, और यहाँ जाके टिकट कटाना है, फिर यहाँ से जाना आसनसोल, आसनसोल से फिर नेक्स्ट स्टेशन जाना है, वहाँ पे है हमारा दीदी घर। तो चलिए चलते हैं, अभी टिकट कटाना है, गिरिडीह से टिकट नहीं मिला, यहाँ पे आके टिकट लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आसनसोल। तो मम्मी गजब करती है, हम लोग एक्सीलेटर से चढ़ के आए, मम्मी चढ़ी ही नहीं, देख सकते वहाँ से एकदम पैदल आ रही है, ये देखिए। उसे क्या डर लग रहा था? जल्दी चलने लगा, कुछ नहीं होता उसमें, खड़ा रहना पड़ता है बस, मम्मी डरती है गाइस इसलिए नहीं चढ़े। दोस्तों मधुपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हम लोग अभी वेट कर रहे हैं ट्रेन का, यहाँ से जाएंगे आसनसोल, फिर आसनसोल से जय चंडी पहाड़ी स्टेशन। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, देख सकते हो ट्रेन अभी तक आया नहीं है, थोड़ी देर में आएगा शायद 10 मिनट में, 10 मिनट टाइम है। तो कैसा लग रहा है? चलिए ट्रेन का वेट करते हैं, ट्रेन आता है उसके बाद चलते हैं यहाँ से आसनसोल, वहाँ से फिर जय चंडी पहाड़ स्टेशन। दोस्तों ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन में बैठ चुके हैं, चलिए चलते हैं आसनसोल, प्यारी सी वादियों को एंजॉय करते हुए। दोस्तों अभी हम लोग ले लिए चना चूर, ये देख सकते हो इधर कीर्ति, इधर मम्मी, सब लोग अभी हम लोग खाते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे हैं आसनसोल, चलिए आसनसोल में मिलते हैं। तो अभी हम लोग आसनसोल जैक्सन में आ गए, पूरा बारिश हो रहा है एकदम बहुत ही ज्यादा, तो अब यहाँ से ट्रेन है आधे घंटे में, अभी लगभग 5:30 बज रहा है, 6 बजे ट्रेन है, चलिए चलते हैं। फाइनली दोस्तों जय चंडी पहाड़ जैक्सन में हम लोग पहुंच चुके हैं, लास्ट ट्रेन में जो चढ़े बहुत ही ज्यादा भीड़ था इसलिए वीडियो नहीं बनाए, फाइनली यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे जिया जी लेने के लिए आ चुके हैं, तो हम लोग को जाना है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, उधर से ही रास्ता है निकलने का, वहाँ पे जिया जी वेट कर रहे हैं, चलिए चलते हैं बाबू के घर, जल्दी से बाबू को बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। सो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो बाबू शांतनु, इसी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शांतनु। इसको सब हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा इस कमेंट पे, देख सकते हो कितना क्यूट है बाबू मेरा भांजा। इधर जिया जी हम लोग स्टेशन से पिक करने आए थे, फाइनली आ चुके हैं, चलिए इसका थोड़ा डेकोरेशन करेंगे यहाँ पे, इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ना, बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयार है ना। दोस्तों यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके हैं, बाबू केक कट करेगा ना, बाबू केक कट करेगा ना। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। चलो केक कट करो। काटो। बर्थडे टू यू, अभी बाबू एक केक काट लिया, 2 ठो केक काटेगा ना बाबू। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शांतनु, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। खिला।
बाबू को इतना गिफ्ट मिल गया ना भाई। गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरियां। सो दोस्तों फाइनली हम लोग सब कोई मिलकर बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए। होले होले से आंखें रोने लगी। कैसा लगा बाबू? अच्छा लगा। इतने सारा तुमको गिफ्ट मिला है, अभी तुम गिफ्ट खोलेगा ना? तब से गाइस ये गिफ्ट में ही परेशान है, मतलब जैसे ही गिफ्ट मिला तब से गिफ्ट खोलने के लिए सोच रहा है। तो जब तक हम लोग बोले फोटो लेके गिफ्ट ही खोलने को रहा है ना। इतना सारा गिफ्ट मिला बाबू को ना। देखिए जिया जी और दीदी। तो देख सकते हो गाइस फाइनली यहाँ पे बच्चे लोग खाना खा रहे हैं। इधर देखिए बाबू। बाबू कैसा लग रहा है बर्थडे बनाकर? कैसा लगा? अच्छा। केक कट कर अच्छा लगा? अब खिलाएगा? नहीं, नहीं। खिलाओ तो फाइनली अभी हम लोग भी खाना खा रहे हैं। ये देख सकते हो खाने में क्या क्या बना था। यहाँ पे खीर पूड़ी, ये मिक्स वेज, ये पनीर मटर का सब्जी, यहाँ पे चटनी टमाटर का। ये लोग भी देख सकते हो खा रही है। और अभी रसगुल्ला भी आना बाकी है गाइस ना। मिष्टिया छे बोल रहा है बंगाली में। ये लोग बंगाली बोलता है गाइस क्योंकि बंगाल में रहता है ये लोग। बंगाल में पड़ा पड़ा पड़ा। और पड़ेगा बलून? और पड़ेगा बलून? और पड़ेगा? उठा उठा के पटकूंगा। बहुत शैतान है गाइस। ये और एको कहा गया, ये भी देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो उसके इतने सारा गिफ्ट मिला बर्थडे में। ये ओपन करेगा एक एक करके। चलिए देखते हैं बाबू को क्या क्या गिफ्ट मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसकी बगल एक फ्रेंड है, उसके तरफ से ये गिफ्ट मिला है। खुश है ना बाबू? देखिए बाबू को इतना खुशी। ये देख सकते हैं स्टॉम बॉक्स मिला। ये किसके तरफ से मिला बाबू? मास्टर बाबू। देख सकते हैं अरे जो उसका दिखती है ये वाला। ये देख सकते हैं सबसे बड़ा गिफ्ट।
उसकी मौसी की तरफ से, मेरी बहन अंजलि की तरफ से। अब ये देख के एकदम खुश हो जाएगा, क्या चीज है, चलिए देखते हैं। आपको तो वैसे पता है क्या चीज है, इसका रिएक्शन कैसा होता है। अब ताली बजाओ, ताली बजाओ। अरे बाबू 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 तो देख सकते हो गाइस, इसको इतने सारे गिफ्ट मिला इसके दादा के तरफ से, इसके फुआ के तरफ से, इसके मास्टर के तरफ से, ट्यूशन मास्टर के तरफ से, इसके पापा के तरफ से, इसका मौसी के तरफ से, और इसका मम्मी और सबके तरफ से है। कौन सा गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आया बाबू? बाबू बोलो, कौन वाला गिफ्ट पसंद आया? ये टिफिन बॉक्स, ये लंच बॉक्स देख सकते हो गाइस। और कौन सा पसंद आया सबसे ज्यादा? ये वाला। रिमोट कार्ड पसंद नहीं आया? आया। सबसे ज्यादा पसंद आया ना? सबसे ज्यादा पसंद आया। सारा चीज पसंद आ गया गाइस, सिर्फ रिमोट कार नहीं, सारा चीज इसको देख सकते हो। चला